देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में आज 30 में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी मंत्रियों ने मंगलौर से बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्य सचिव SS संधू ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि गौशाला नीति में संशोधन किया गया है, वहीं नीति के तहत DM स्तर पर अब निर्णय लिए जा सकेंगे। साथ ही वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर PCS अधिकारी ही तैनात होते हैं, अब से IAS या वरिष्ठ PCS अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा का है, ये ITI में जैसे आठवीं कक्षा पास करके कोई ITI में चला जाता है और दो साल वहाँ पढ़ाई करके अपना पास हो जाता है, सर्टिफिकेट ले लेता है, लेकिन उसको अगर दसवीं का सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर उसको दो साल के लिए पढ़ना पड़ता था। अब ये कर दिया गया है कि अगर उसने आठवीं पास की है और ITI का सफलतापूर्वक उसने पास कर लिया है और केवल हिंदी का एग्ज़ाम दसवीं का दे के उसको दसवीं के बराबर मान लिया जाएगा। इसी तरह जो दसवीं कक्षा के बाद ITI आता है वो और पास हो जाता है, ITI से सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो केवल हिंदी की परीक्षा पास करके उसको बारहवीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बहुत लंबी मांग थी, इससे जो ये आपके ITI में जाने वाले रुचि रखने वाले स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और वो जा पाएंगे।